हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यशोदा एकेडमी में। और आज हम कक्षा 10 का एग्ज़ाम पैटर्न देखने वाले हैं। 2022 का जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम आज देखने वाले हैं। तो 2022 में मैं आपको बता दूं, हमारा जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। इस वर्ष कोविड की वजह से हमारा जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर कम करे हैं हम देख लेते हैं एक बार। एक हमारा बीजगणित में ये चैप्टर कम कर दिए हैं, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांक के मध्य संबंध जो निकालते हैं, ठीक है, और वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कथन का कथन तथा उसका सामान्य प्रसरण, उसके सामान्य प्रसरण जितने भी हुए सब कम कर दिए गए हैं। ठीक है, और सामांतर श्रेणी के कुछ चैप्टर हैं वे भी हटा दिए गए हैं, और आपका ज्यामिति हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। ठीक है, और आपका ट्रिग्नोमेट्री के ये समीकरण हटा दी गई हैं। ठीक है, प्रायिकता हटा दी गई है। अब हम बात करते हैं 70% जो सिलेबस बचा है वो क्या, कौन कौन से चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें आपका, ये मैंने अभी PDF डाउनलोड करी है। ठीक है, इसमें आपका 70 अंक तो लिखित परीक्षा से हैं और 30 अंक आपके प्रोजेक्टर से हैं, प्रोजेक्ट जो जमा करते हो आप उससे हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्ण के लिए 23 मार्क्स तो आपको 70 में से लाने होंगे और 10 नंबर आपको इस वाले 30 में से लाने होंगे आपको। ठीक है, अब देखिए चैप्टर की बात करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, जो हमारा 5 नंबर का इस बार हमें देखने को मिलेगा। बीजगणित 18 नंबर का देखने को मिलेगा। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का और ज्यामिति 12 नंबर की। ठीक है, और फिर त्रिकोण, यह है आपकी त्रिकोणमिति, आपकी त्रिकोणमिति है 10 नंबर की, मेंसुरेशन 10 नंबर की है, और फिर सांख्यिकी और प्रायिकता भी 10 नंबर की आपकी। ठीक है, ठीक है, तो आपके टोटल हो गए 70 मार्क्स। तो ये चैप्टर हैं। अब एक बार देख लेते हैं संख्या पद्धति में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या हमको नहीं पढ़ना। तो देखिए, जो संख्या पद्धति है उसमें वास्तविक संख्याएँ आपको पढ़नी है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, अंगणित पर आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन आपने पढ़ा था ना, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ये वही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और शांत अशांत ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, आपको इन सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं बीजगणित की। बीजगणित में जैसा आप देख रहे होंगे, हाँ, दो चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक है, इनके तीनों चैप्टर हैं। ठीक है, फिर आ गया है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आप देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, मैं अगर जो सारे को पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो रोक के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका फिर निर्देशांक ज्यामिति के ये चैप्टर हैं, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा है, रेखिक समीकरण के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है, ये हैं आप देख सकते हैं, और त्रिभुज के कुछ चैप्टर हैं, त्रिभुज के देख लीजिए, त्रिभुज के बहुत चैप्टर हैं। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इन्हें आप, या फिर अपनी बुक में टिक लगा लेना। ठीक है, जौन जौन से चैप्टर हैं अपनी बुक में टिक लगा लेना। अब देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आपकी 10 नंबर की है। ठीक है, उसमें आपको ये सब चैप्टर देखने को मिलेंगे, और जो ये सब दिए हैं ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री के बीच संबंध, तो इस टाइप के ही आपको हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ऊंचाई दूरी भी दी हुई है, तो इस चैप्टर को छोड़ना मत। ऊंचाई दूरी में उन्नयन कोण, अवन्यन कोण, ऊंचाई दूरी, ठीक है, और फिर आपके आगे आगे 10 नंबर की मेंसुरेशन, ये देखिए मेंसुरेशन है 10 नंबर की। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे।
फिर आगे आती है आपकी लास्ट सांख्यिकी, ठीक है, ये भी आपकी 10 नंबर की है, 10 नंबर की। अब बचते हैं आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल वाले, कहाँ गए, ये रहे आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल वाले, ठीक है। तो जो आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या स्कूल वाले दे सकते हैं करने के लिए, प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए, वो सब आपकी इसमें लिखा हुआ है, जो जो आपको प्रोजेक्ट फाइल में कार्य करना है, तो इसी में से आपके स्कूल वाले कुछ ना कुछ आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका 2022 का सिलेबस है, और इससे अलग आपका कुछ भी नहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 30% सिलेबस कम हो चुका है, 70% सिलेबस की आपको तैयारी करनी है, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, और जो चैप्टर मैंने करा दिए हैं उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बड़े आसानी से के साथ मैंने समझा रखा है, ठीक है। चलो तो तब तक के लिए बाय, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।